गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आपकी DLED की क्लास शुरू हो चुकी है और ये माइक्रोफोन के साथ हमने कान में भी लगाया हुआ है। आवाज़ चूँकि थोड़ा सा दिक्कत करती थी, ठीक है। तो चलिए आज आपकी क्लास शुरू करते हैं। भिन्नों के कुछ महत्वपूर्ण गुण हम पढ़ेंगे, उसके पहले जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न छूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जी हाँ, मजबूत इरादे के साथ शुरू किया गया कोई भी कार्य कभी असफल नहीं होता है। मुश्किलें आती हैं लेकिन चली भी जाती हैं। चलिए, भिन्न अर्थात फ्रैक्शन, इसके बारे में हमने आपको बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन जो कुछ बचा है आज वो भी आपको बता देंगे। एक रिक्वेस्ट होगी कि इस क्लास को पूरा देखना, और अगर डेली देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। बेल आइकन बहुत बड़ी चीज़ होती है, नहीं तो आपको क्लास के बारे में मालूम नहीं चलता है कब चल रही कब नहीं चल रही। सुबह 6:30 बजे से 6:30 से मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे सिर्फ 3 दिन सप्ताह में ये क्लास होती है। भिन्नों के गुण में पहला है, यदि किसी संख्या के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करें। ये यहाँ पर जो संख्या लिखा है ना बाबू, ये संख्या नहीं, ये भिन्न होगा। मतलब समझना, अभी मैं आपको एकदम विस्तार से बताऊंगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में किसी एक ही संख्या से गुणा करें तो भिन्न के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे, जैसे इधर देख लो, एक पैरा सा 2/7 है, इसमें हम अंश और हर दोनों में क्या करते हैं, अंश और हर दोनों में हम 4 से गुणा कर देते हैं, भिन्न के मान में कोई फर्क ना पड़ेगा। देखना कैसे, ये हो गया 8, ये हो गया 28, फिर क्या करोगे, इसको काट दो ना, ये 4 × 8, 4×28, फिर से 2/7 आ गया ना। मतलब कि हमने अंश में 4 का गुणा किया, हर में भी 4 का गुणा किया, और जो आया उसको जब काट पीट दिया फिर से वही आ गया। ये रूल होता है, अगर किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक समान संख्या से गुणा करें तो उस भिन्न के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला देखना, दूसरा रूल ये कहता है कि यदि किसी भिन्न में, यदि, या फिर ऐसे देखो जैसे लिखा हूं मैंने, जब एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग करते हैं या करना हो तो दूसरी भिन्न का उल्टा करके उसी से पहली भिन्न में गुणा कर देते हैं। ये बड़ी विडंबना होती है, जो नहीं लिख पाए अभी तक वो कृपया वीडियो को रोक करके लिख लें या थोड़ा पीछे करके लिख लीजिएगा। और हाँ, अगर बातों को आप समझ जाओगे ना तो ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, याद कर लेना बस, बस ये समझने के लिए है कैलकुलेशन, ये कहीं लिखने को नहीं आएगा। अगर पूछ भी लिया गया तो आप बना के लिख लोगे। इसका एग्जाम्पल देखना, कह रहा कि यदि एक भिन्न में दूसरे भिन्न का भाग करना हो तो हम क्या करते हैं, दूसरे भिन्न को पलट के उसमें गुणा कर देते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, और ये लो आपके सामने आ चुका है, क्या करना है, मान लो कि 2/3 में भाग करना है किससे, 5/6 से। तो कह रहा कि दूसरी भिन्न का उल्टा करके, ये दूसरे भिन्न का उल्टा करके उसी से पहली भिन्न में गुणा कर देते हैं। तो दूसरी भिन्न 5/6 है, इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, इसका गुणा आएगा 6/5, और गुणा कर दो 2/3 में। कुछ लोग सोच रहे होंगे पहली भिन्न को पहले लिख लेते हैं फिर उससे गुणा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सही तरीका है। और इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, इधर देखो 2/3 × 6/5, ये दोनों सही है, दोनों सही, इसमें कोई भी गलत नहीं है, ठीक ना। तो ये था दूसरा भिन्न का गुण, कि यदि किसी भिन्न में किसी दूसरे भिन्न का भाग करना है तो हमें दूसरे भिन्न को पलट करके क्या करता होता है, भिन्न में गुणा कर लेते हैं आपस में। ये देखो, ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 × 6 × 2 × 4/5, ये 4/5 हो गया। अब अगला रूल देखना, नेक्स्ट रूल देखना, और देखते रहना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, समझ में आने की गारंटी होगी, क्लास पूरा देखना। दूसरा एक साधारण सा इसका गुण है कि जब अंश व हर दोनों बराबर हों तो भिन्न का मान सदैव एक होता है। वो कैसे, जैसे अंश व हर बराबर का मतलब दोनों 6/6 है, तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे, ये 1/1=1 होगा, कोई भी ले लो, अगर अंश और हर दोनों बराबर होगा तो भिन्न का मान सदैव क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात समझ में आई, ये बिल्कुल आसान सा फंडा है। अगला गुण इसका देखना, नेक्स्ट नंबर नोट करते चलिए साथ साथ में, लिखोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि अंश 0 हो तो भिन्न का मान भी 0 होता है,
हाँ, अगला नियम देखना। कह रहा है कि यदि अंश शून्य हो तो भिन्न का मान भी शून्य लिया जाता नहीं, होता है। कैसे होता मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये देख लो, चाहे जो भी लिख दो बराबर जीरो आएगा। कुछ भी लिख दो नीचे, अगर ऊपर जीरो है तो नीचे इसमें आप कुछ भी लिख दो, क्या आएगा? सब फाइनल में जीरो हो जाएगा। और वो कैसे हो जाता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर देखना, ये चौथा नियम है, लिख लो जिसको लिखना, मैंने लिखा नहीं। यदि किसी भिन्न का अंश जीरो है, शून्य है, तो उस भिन्न का मान सदैव शून्य होता है। ये हो गया ठीक ना। देखिए, ये जो सारे रूल है ना इसमें, ये आपको हर जगह मिलेंगे और इनका प्रयोग होगा, कहीं इनको आपको लिखना नहीं होगा, ठीक है? वैसे कहीं लगभग पूछा नहीं जाता है, केवल आपको इनसे परिचित होते रहना है बस, ठीक ना? बात समझ रहे हो? अगर पूरा क्लास देखोगे समझ में आने की गारंटी होगी। अगला इसका जो रूल है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके पहले इसको प्रूव कर देता हूँ कैसे जीरो होता है। जैसे कहीं 0/7 है ना, इसका मान जीरो आता है, कैसे आता है? इधर देखो, ये 7 से इसमें 0 में आप भाग करोगे। अब आप ये बताओ कि 7 का गुणा किस में करें कि 0 आ जाए? भाई 7 का गुणा किसी में करें कि क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्यों 0 आ जाए? क्योंकि हमें 0 लाना है। अच्छा इधर देखना, जैसे अगर 7 में तो ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 6 कर लेता हूँ, 2। अब हम क्या करेंगे? हम 2 का किस में गुणा कर दें कि 6 हो जाए, बताओ। हर कोई जानता है ना, 2 का गुणा कर दो 3 में तो 6 आ जाएगा, आ जाएगा ना? वैसे यहाँ बताना है कि 7 का गुणा किस में कर दें कि 0 हो जाए, बताओ, जल्दी बताओ किस में कर दें? तो वो हो जाएगा सीधा सा जवाब 0, तभी 0 होगा, वरना 0 नहीं होगा। तो ऊपर आप 0 बार ले जाओगे और ये हो गया 0, घटा लो फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया ना, फिर क्या करोगे? अब एक बार घट गया, ख़त्म हो गया, 0 मत लिखो, चाहे तो इसको क्रॉस कर दो, बराबर है, काम ख़त्म ना। 0 आ गया, चाहे तो फिर अगर ले जाते 0, फिर 0 0 बार बार 0 0 जाता, 1 0 लिखो चाहे 1000 बार 0 लिखो, मतलब तो वही हुआ ना। चाहे किसी को 1 बार चोर बोल दो, चाहे 1000 बार चोर चोर बोलो, मतलब तो वही हुआ, समझ गए ना? तो ये हो गया इसके कुछ गुण जो आपने देख लिया। अगला देखना इसमें क्या कह रहा है। अगला है भिन्न की गणितीय संक्रियाएं। आप देखना, गणितीय संक्रियाओं में बहुत कुछ पढ़ोगे आप। सबसे पहले तो भिन्नों की तुलना करना देख लो, छोटी और बड़ी भिन्न समझना। देखना इधर, भिन्नों की गणितीय संक्रियाएं, हेडिंग डालिए भिन्नों की गणितीय संक्रियाएं। देखिए, अगर आप हमारी आवाज़ वगैरह समझ के लिखते जाएंगे ना तो बेटर होगा, नहीं समझोगे तो बुरा होगा फिर, इसलिए नोट करते चलिए। भिन्नों की गणितीय संक्रियाएं हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम भिन्नों की तुलना देखेंगे। क्या देखेंगे? भिन्नों की तुलना, गणितीय संक्रियाएं। इसमें देखेंगे नंबर एक हम लोग भिन्नों की तुलना, ठीक है? तुलना मतलब छोटी बड़ी भिन्न समझना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन ऐसे कुछ बोलते हैं ना। हाँ तो देखो इधर, पहला इसमें कंडीशन है जब भिन्न के अंश बराबर हों। जब भिन्न के अंश बराबर हों तो इनकी तुलना कैसे करते हैं? ध्यान देना, इनकी तुलना कैसे करते हैं, कौन बड़ा है इसमें कैसे जानेंगे, जरा ध्यान से देखना। जैसे 5 चॉकलेट है, चॉकलेट सब ज़्यादा समझेंगे है ना, तो 5 चॉकलेट में 3 लोगों को बांटना है, 3 स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड हैं आपके, ठीक? 5 में 3 को बांटना है और 5 में ही 7 लोगों को बांटना है। अब आप खुद अनुमान लगा लो किस में ढेर सारा मिलेगा, किस में ज़्यादा मिलेगा। जब 5 चॉकलेट में 3 हिस्सा करोगे तब ज़्यादा मिलेगा, या जब 5 में 7 हिस्सा करोगे तब ज़्यादा मिलेगा? हर कोई बता ले जाएगा इसको, चॉकलेट खाने वाले हर कोई होते हैं, है ना? समझ गए ना? चलो इसमें कर लेते हैं 3 हिस्सा, ये 1 2 3 3 हिस्सा हो गया ना। इसमें 7 करो, देखो 2 हो गया, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो ये चॉकलेट उससे बड़ा था, लेकिन इसमें छोटा छोटा मिलेगा, एकदम थोड़ा थोड़ा सा,
मतलब समझना मेरा कहने का कि अगर कोई चॉकलेट है या कुछ भी चीज़ है, चॉकलेट ही छोड़ दो, बिस्किट है, टॉफ़ी है, जो भी आप खाते हो, सेब संतरा कुछ भी चीज़ है, उसमें अगर जितने कम लोग रहेंगे है ना, उतना ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा ना। तो सीधी सी बात है कि 5 में 3 हिस्सा करना है, 5 में 7 करना है, तो इसमें ज़्यादा मिलेगा, इसमें जो रहेगा उसको क्या होगा, फ़ायदा होगा। समझ गए ना? यानी कि जब भिन्न के अंश बराबर हों तो जिस भिन्न के हर छोटे होते हैं वो भिन्न बड़ी होती है। हाँ बिल्कुल, अगर भिन्न के अंश बराबर हैं ऊपर ऊपर का गिनती, तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो अब इसको समझ लेना, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ इसमें कुछ भी, ये भिन्न बड़ी है। चलो इसमें बताओ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1/3 और 1/2 में कौन बड़ा है? जल्दी से बोलो, तुरंत बोलो, फट से कौन बड़ा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, तीसरा देखो, कुछ ना बताओगे ना तो कभी आएगा नहीं लाइफ में, याद रखना, मेरी बात को बुरा मत मानना, लेकिन अगर बताओगे, कमेंट करोगे तो पक्का आएगा, सब कुछ आएगा, टेंशन मत लेना, गारंटी हमारी होगी। इसमें बताओ कौन बड़ा है, जल्दी बोलते जाओ जी, मुंह बना के बैठे हुए हो, मैं देख पा रहा हूँ सभी लोगों को कौन कैसे बैठा हुआ है। ये मत सोचना कि हम देख नहीं रहे, ठीक ना, कुछ लोग हंस भी रहे हैं, मुझे सब मालूम चलता है, बस आप लोग समझ नहीं पाते हो। अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 4, ये 19/9 और ये 19/13, इसमें कौन बड़ा है, जल्दी बताओ। ये तो आप समझ गए, अब बताओ या ना बताओ, आपकी मर्जी है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, सुना है ना, तो जाने दो, अभी हो गया मैं, लेकिन आपको कंफर्म कर दूं, हमने कहा कि जब भिन्न के अंश अंश बराबर हैं, डेनोमिनेटर इक्वल हैं, तो वो भिन्न बड़ी मानी जाएगी जिस भिन्न का हर छोटा होगा, हर छोटा होगा, कम होगा, वो बड़ी मानी जाएगी, मानी ही नहीं जाएगी, होती भी है। तो ये बड़ा होगा, इसमें ये बड़ा होगा, इसमें ये बड़ा होगा, बात क्लियर, फंडा साफ हो गया ना। चलो आगे, अगला, अच्छा आप लोग एक बात बता दो, 1/2, 1/3, 1/4 में कौन बड़ा है, देखते हैं कि आपका दिमाग कितना घूमता है, जल्दी बताओ, 1/2, 1/3, 1/4 में कौन बड़ा है, जल्दी बताओ। हम जान रहे हैं आप लोग यही बताओगे 1/4 बड़ा है, लेकिन जो इसको बताएंगे ना बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनका गलत है, ये होगा सबसे बड़ा। क्यों? इसका मतलब हुआ हाफ, 0.5, इसका मतलब हुआ 0.33 के लगभग में, और इसका मतलब हुआ 0.25 के लगभग में। मैं यार काहे को गड़बड़ हो रहे हो, ये सब लोग देख रहे हैं, सही से तो लिख जाओ, बात समझ में आई। ये 50 पैसा के बराबर है लगभग, ये 25 पैसा के बराबर है, और ये लगभग 33 पैसा के बराबर है। अब आप खुद सोच के बताओ, 50 पैसा ज़्यादा है ना, फिर 25 पैसा है, नहीं है, 33 पैसा तब 25 पैसा, गारंटी होती है, सिखाते नहीं, पिलाते हैं गोल करके, बस याद रखना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों का फीडबैक बोलता है, जो आप लोग कमेंट करते हो। और अगर डेली क्लास को देखना है तो ज्वाइन कर लीजिए, अभी तो ये ट्रेलर देख रहे हो, मूवी भी दिखाएंगे जब ज्वाइन करोगे तो। अगला देखना, ये हो गया इतना ना, हो गया, बुरा मत मानना, सॉरी अगर गुस्सा लगा तो। अगर दूसरी कंडीशन क्या है, जब ये तो हो गया पहला, जब भिन्न के अंश बराबर हों तो भिन्नों की तुलना हो गया, जब भिन्नों के हर बराबर हों तो कैसे तुलना करते हैं, देखना। हर बराबर है मतलब 5/3 और ये लिख लो 9/3, चलो ठीक है, जाने दो, जो भी है, अब ज़रा ध्यान देना। देखिए यहाँ पर खाने वाले हिस्सेदार तो बराबर हैं, तीनों इसमें भी हैं, तीनों इसमें भी हैं। मान लो कि दो रूम में पार्टी हो रही है, अक्सर यही होता है कॉलेज स्टूडेंट्स लाइफ में, कि अगर दूसरा वाला फ्रेंड एक जूता भी खरीदा, 150 का सैंडल भी खरीदा, तब भी भाई चल भाई पार्टी दे, भाई तूने तो सैंडल लिया है ना, होता है ना, हाँ बिल्कुल सही होता है। तो देखिए दो रूम में पार्टी हो रही है, इसमें क्या है, उतना ही सामग्री जो है, क्या है सामग्री, नहीं उल्टा हो गया, मतलब उतना ही फ्रेंड इसमें भी हैं, उतना ही इसमें भी हैं, तीन तीन लोग हैं,
और इसमें जो खाने के सामग्री हैं, या फिर एक प्रकार से आप कुछ भी मत मानो, पकौड़ी ही मान लो, बाकी कुछ मत मानो, चलो ठीक है। इसमें 9 पकौड़ियाँ हैं, इसमें कितना है, मात्र 5 हैं। अब बताओ कि इसमें ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा, हर कोई जान जाएगा इसको खाने पीने में आप लोग बहुत तेज़ होते हैं, विशेषकर लड़कियाँ बहुत तेज़ होती हैं, है ना। तो देखिए, जिसमें ज़्यादा है उसमें ज़्यादा मिलेगा, है ना, इसमें ज़्यादा मिलेगा ना, इसका मतलब कौन बड़ा है, ये भिन्न बड़ी है, यानी कि 5/3 और 9/3 में कौन बड़ा है, 9/3। याद रखना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप कर ले जाओगे ना। यहाँ से परिभाषा क्या बनी, पहचान क्या बनी, यदि किसी भिन्न के हर बराबर हैं, यदि किसी भिन्न के हर बराबर हैं, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी मानी जाती है। हाँ, उसमें क्या बताया था, उसमें बताया था कि यदि किसी भिन्न के अंश बराबर हैं, तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी मानी जाती है। लेकिन अगर भिन्न के हर बराबर हैं, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी मानी जाती है। तो चलो रेडी हो जाओ अभ्यास प्रश्न के लिए फट से तुरंत। देखिए, टॉपिक एक का सीखो, लेकिन जिंदगी में भूले ना कुछ ऐसा सीखो। बिल्कुल साथियों, बस यही कोशिश होती है इस PVR स्टडी के मंच से कि इंडिया में बैठा हुआ एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको मैथ ना आए। ये मैथ वाली बीमारी इंडिया से भगा देना है ना। अगला देखना, इसमें का जो क्वेश्चन है उनको खुद से करना। बताओ कौन बड़ा है, इन भिन्नों में कौन बड़ी है, कमेंट करना। ऊपर बराबर करना है ना, नहीं नीचे बराबर करना है। ये चार इन दोनों में बताना कौन बड़ी है, जल्दी करो फटाफट। दूसरा 7/9, 7/3, अरे यार ये दूसरा लिख दो भाई। तीसरा 12/5, 12/7, चौथा 21/9, 21/7, पाँचवा 1051/213, 1051/111। कर ले जाओगे ना, कोशिश करना, बस आपको आए ना आए ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोशिश करोगे ये बड़ी बात है। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नहीं अपार नहीं होती, और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गाते रहना, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गुनगुनाते रहना। और एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ हमारे ऐसी भी कैंडिडेट हैं, मैं पूरे अनुभव के साथ बता रहा हूँ, जब वो पढ़ाई करते रहते हैं ना, तो उनका मैसेज टिक टाक आता रहता है, कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पे आ रहा है, कहीं डायरेक्ट आ रहा है, कहीं कॉल आ रही, कहीं मिस कॉल आ रही है। कृपया करके आपके जो भी मित्रगण हैं, आपके जो जिगरी यार हैं ना, उनको समझा दीजिए कि इस टाइम पर हम पढ़ाई करते हैं, कृपया करके डिस्टर्ब ना करें। और अपने फ़ोन में जो लोग सैमसंग यूज करते होंगे, अक्सर उसमें डोंट डिस्टर्ब एक ऊपर होता है, उसको लगा लिया करें, किसी का फ़ोन आने पर ना कोई भी प्रकार का टून ना बजे, है ना। और वीडियो आपको ऑनलाइन देखना होता है, नहीं तो आप फ्लाइट मोड लगा के देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन देखना होता है इसलिए फ्लाइट मोड ना लगाएं, नहीं तो आपका नेट नहीं चलेगा। तो ये कंडीशन आप समझें, अगर अच्छे से पढ़ना है तो ठीक है, बाकी तो बहुत सारे तरीके होते हैं। ये तो हो गया दो स्थिति। अब सबसे मुसीबत वाली स्थिति आती है, वो क्या, कि जब भिन्न का ना तो अंश बराबर है ना हर बराबर है, अब क्या करेंगे। आप लोगों के मन में यही सवाल आ रहा था ना, मुझे मालूम था। ये देखो नंबर तीसरा, जब अंश व हर दोनों असमान हो। देखो अब कुछ नहीं समान है, अब कैसे तुलना करोगे, यही मेन मुसीबत वाला होता है। जैसे 5/3 है और ये 3/7 है, एक तीर गांव है एक मीर गांव है। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये 3-3 बराबर है ना, रहने दो मैं इसको भी बदल दे रहा हूँ। अब चलो, अब तो खुश हो ना, सब अलग हो गया। अब देखो इसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो कि आपको करनी होती हैं, मैं आपको सब बताऊंगा, बस पूरा क्लास देखना, भागना मत बीच में। हाँ जी, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक, गुनगुनाते रहना, क्लास मत छोड़ना। मैं मरते दम तक नहीं बोल रहा हूँ, बस क्लास ख़त्म हो जाए बस फिर चले जाना। देखिए इसमें क्या करेंगे, देखो दो तरीका है, एक तो आप इसको भाग कर लो दशमलव में जिन लोगों को आता है, बट ये तरीका हो सकता है कुछ लोगों को ना अच्छा लगे, लेकिन सबसे आसान होगा हमारे समझ से। देख लो इसको भी, फिर जो अच्छा लगे वो करना। आपको क्या करना है, 5 में भाग करो फर्स्ट मेथड में 3 से,
तो ये वन बार जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, सबट्रैक करोगे टू आएगा, ऊपर डेसिमल बढ़ाओगे। क्या मैं सही लगा रहा हूँ कि नहीं? हाँ, जीरो उतारोगे तो 3 × 18 और फिर वही जाएगा, बार बार आता जाता जाएगा, जो भी है 1.66 लगभग में समथिंग आएगा, समझना। बस कोई एकदम एक्यूरेट नहीं निकालना है। इसको देखो, 4 में भाग करो 7 से। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक मुसीबत ये है कि 4 ऑलरेडी पहले से छोटा है, इसमें भाग जाएगा ही नहीं, और जाएगा तो वो 0 बार जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, सबट्रैक करोगे 4 आएगा, फिर डेसिमल बढ़ाओगे और फिर यहाँ 0 उतारोगे, 7 × 35 7 × 42 7 × 35 घटाने पर 5 आया, और फिर 0 उतारोगे, 7 × 8 56 7 × 7 49। देखो यहाँ पर 2 अंक तक ले जाओ, बस क्या आया, 0.57 आया। अब आप लोग यहाँ पर दिमाग लगा लो, बहुत जोड़ घटाना जानते होगे। 1.66 बड़ा है कि 0.57 बड़ा है, इसका मतलब ये है रुपया पैसा बहुत समझते हो ना। आजकल जो बच्चे पैदा होते हैं बोलना नहीं जानते, लेकिन वो पैसा पहचानते हैं, क्योंकि आगे चल के लाइफ में उनके लिए वही बहुत ज़रूरी होता है ना। देखो ये 1 रुपया 66 पैसा है, क्या है, 1 रुपया 66 पैसा के लगभग में है, और ये मात्र 57 पैसा है। अब बताओ कौन बड़ा है, ये ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है। ये तो पहला तरीका हुआ कि आप दशमलव में भाग कर लो, जिन लोगों को इसमें नहीं अच्छा लगता, नहीं मज़ा आ रहा है, वो बिल्कुल ना करें। दूसरा तरीका देखना, इसी सवाल के लिए दूसरा तरीका देखना, दूसरे सवाल के लिए नहीं। और हाँ, आजकल आपकी क्लासें बड़ी बड़ी होने लगी हैं, अब आधे घंटे की कम से कम नहीं, उससे ज़्यादा भी होती है, लेकिन हमारे पास एक मुसीबत है कि हमारा जो मेमोरी कार्ड है जिसमें ये रिकॉर्डिंग होता है कैमरा का, वो 4 GB से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, और एक वीडियो जो 30 मिनट का हो जाता है ना, वो 4 GB का हो जाता है, तो जब वो बाहर निकलने लगता है 4 GB से, तो वो कट जाता है। ये मुसीबत है मेरे पास। आगे देखना मैंने क्या लिखा था, मुझे तो याद नहीं आ रहा, जाने दो उसको, चलो छोड़ो। ये 3/5 और ये 2/7, देखो कौन बड़ा है कैसे जानोगे। एक काम करते हैं, 5 और 7 का क्या निकालेंगे LCM, कितना आएगा मालूम है, दोनों अभाज्य संख्याएँ हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, गुणा करके LCM आएगा, 35 आएगा, कितना आएगा, 35। अब इस LCM में यानी कि 35 में क्या करोगे, पहली भिन्न के हर से भाग कर लो, तो 5 से भाग करोगे 7 आएगा, कितना आएगा, 7 ना, इस 7 को पकड़ करके इसमें गुणा कर दो, 7 × 21। अब फिर क्या करोगे, वही कंडीशन दूसरे के लिए, 7 से भाग करो 35 में, 7 से 35 में भाग करो ना, कितना आएगा, 7 से 35 का भाग करोगे 5 आएगा, 5 × 2 में गुणा करोगे 10 आएगा। ये लो, सारा भंडा फोड़ हो गया, दूध का दूध पानी का पानी। अब तो आ जाएगा ना, कुछ लोगों की नानी याद आ रही होंगी, आ रही कि नहीं, देखो नीचे का दोनों बराबर हो गया ना, अब तो समझ सकते हो ना, मैंने बताया था ना सबसे पहले दूसरे नंबर पर, जब भिन्न का हर बराबर हो, तो जब भिन्न का हर बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, अर्थात ये भिन्न बड़ी है। बस ये 2 तरीके थे, अब हम नहीं बताने वाले बाबा तीसरा तरीका, 2 ही में करो बस, ज़्यादा नहीं। अब हम आपको एग्जांपल देंगे, आप कमेंट करके बताना कौन बड़ा है, और जो लोग ज्वाइन किए वो सवाल को लगा करके उसकी फ़ोटो खींच के भेजेंगे व्हाट्सएप पर। हम देख रहे हैं बहुत सारे लड़के लड़कियां ज्वाइन किए हुए हैं, DLED में अधिकतर लड़कियां की हैं, और बहुत काम चोर हो रही हैं वो लोग, अब कोई भी होमवर्क करके भेजता नहीं व्हाट्सएप पर, कुछ लोग को छोड़ दें अगर तो, क्योंकि कुछ लोगों के मन में हमारे लिए बहुत सारे शब्द आ रहे होंगे, है ना। इन दोनों में कौन बड़ा है बताना, पहला क्वेश्चन। दूसरा का लिखें, ऐसा लिखें कि आप लोग कर ना पाओ। तीसरा 14/9 और ये 7/9। चौथा सवाल देखना, इन दोनों में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है याद रखना, कौन बड़ा है। 19/5 19/4 ऊपर वाला बराबर करना है ना, अरे जी ऊपर वाला मतलब अंश का। ये देखो नीचे दोनों तो इक्वल हो जाएगा, तो आप लोग बड़े आसानी से कर ले जाओगे, आसानी से ना कर पाओ इसलिए हमारी कोशिश ये होती है। बात समझ में आया ना, देखो 6 क्वेश्चन हो गए, 7वां नोट कर लो जल्दी से, मैं आगे से हट रहा हूँ, टेंशन मत लेना, हल करके बताना, नहीं करोगे तो फिर आप जानो आपका काम।
ये 10 सवाल हैं आप लोगों के होमवर्क के लिए। करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करोगे तो और अच्छा है, फिर तो आपको अवार्ड मिलेगा नहीं करोगे तो, ठीक ना? तो क्या चाहते हो, अवार्ड चाहते हो, पढ़ना चाहते हो? सारा होमवर्क करके लेके आना, और हाँ लगा करके इसको भेजना व्हाट्सएप पर। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने नहीं किया, मैं उनको भी तरीका बता दे रहा हूँ। बाकी सुनना सबका चाहिए, करना अपने मन का चाहिए। और हाँ, जो लोग इसको नहीं लिख पाए, हम मिटा दिए ना, वो बिल्कुल हमें गाली वाली नहीं देंगे, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं सोचेंगे हमारे बारे में। वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेंगे, 4-6 सेकेंड आ जाएगा फिर से, ठीक ना? हाँ, अब ये बताने वाले हैं कि बहुत से हमारे ऐसे प्रिय मित्रगण देख रहे हैं जिन्होंने क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, तो ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, वो बहुत जल्दी से उनके बहुत काम का है। 9793488448, ये लास्ट में 8 है। हाँ, इस पर आपको ₹549 का पेमेंट करना होगा, अगर कंप्लीट थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट फोर, जो भी पढ़ना चाहते हो, सभी के लिए सिर्फ एक बार ₹549 करना है। कंप्लीट मैथ का कोर्स मिलेगा, कोई डाउट होगा क्लियर किया जाएगा, सब कुछ जो भी होगा आपको हेल्प किया जाएगा। और पिछली साल की तरह आप लोगों का 25 में 25 मार्क्स आए, ये हमारी बिल्कुल कोशिश होगी। पिछली साल तो आप लोगों ने इतना सहयोग किया था कि कुछ भी नहीं दिखता था, J2 मोबाइल था, कैमरा में कुछ नहीं दिखता था, मैं खड़ा हो जाता था, ओरल पढ़ाता था, ना तो इन्वर्टर था यहाँ पर, ना अच्छी लाइट थी, फिर भी आप लोगों ने पूरा अंक लाए थे। कुछ ऐसे हमारे होनहार स्टूडेंट्स थे। अब की बार तो यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका है बाबू, क्वालिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, वीडियो की लाइट हो चुकी है, यहाँ पर अच्छी खासी इन्वर्टर हो चुका है, आपकी व्यवस्थाएं अच्छी हो चुकी हैं, तो अब की बार तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आने चाहिए आप लोगों के। तो करना ज़रूर, ठीक ना? अपने साथियों को भी शेयर करना। चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 8 बजे से आपकी कक्षा 10 NCERT मैथ होगी, उसको देखना ना भूलना, आप लोग जरूर देखना, बिल्कुल फ्री क्लास होगी, और जिन लोगों ने उसमें ज्वाइन किया उनको इकट्ठा क्लास दे दिया जाएगा। याद रखिएगा, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको YouTube पर कुछ खोजना नहीं होगा, Facebook पर, YouTube पर, सारी क्लास की लिंक आपको WhatsApp पे मिलेगी, सब कुछ आपको WhatsApp पर मिलेगा, सिर्फ आपको देखना होगा बस, तो फिर आपका टाइम बचेगा और आप केवल पढ़ेंगे, बाकी कोई लफड़ा नहीं। YouTube पे खोजें, एक पार्ट मिल रहा है, दूसरा पता नहीं कहाँ गया, तीसरा पता नहीं कहाँ गया, खोजते रहते हैं, टाइम बर्बाद होता है, टेंशन होता है, ये सब छोड़ दो, ठीक ना? और सिर्फ एक बार करना है, ऑटो की किराए से भी कम है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों को नहीं करना वो बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे, हमारे बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, वो कृपया करके वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑन करेंगे, उनको भी बहुत सारी क्लास मिलती रहेगी, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, माफ़ी चाहते हैं। चलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया आप सभी को। फिर से आते हैं अगली क्लास के साथ थोड़ी देर में 8 बजे से, उसके पहले आपको कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, साइंस के मिल जाएंगे, 6-7 बजे के बाद में देख लेना, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखोगे तो बहुत सारी क्लास दिन भर में मिलती रहती हैं। शुक्रिया, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।